नमस्कार मित्रों, आपका प्यारी दुनिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो या पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन घुमाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है आनंद विहार टर्मिनल और एक साइड में रेड से भी लिखा था। तो ये बाहर का सीन है, बाहर में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, अंदर नहीं गए। और अंदर जाने का ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड से अंदर प्लेटफॉर्म तक जाने का रास्ता है। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं। तो ये देखिए, ये एस्केलेटर के माध्यम से जा सकते हैं और बगल में सीढ़ी है राइट साइड, और लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो ये सीढ़ी है, या तो सीढ़ी के माध्यम से, और तीसरा माध्यम जो है वो है हमारा लिफ्ट। तो हम लिफ्ट के माध्यम से भी हम ऊपर जा सकते हैं प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपको ऊपर जाना होगा, ऊँचाई पर जाना होगा। तो अब हम हॉल में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जनरल, स्लीपर और एसी क्लास के लिए वेटिंग हॉल बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है। इधर जो हॉल में सीट लगा है ये जनरल के लिए लगा हुआ है और स्लीपर वो क्लास के लिए। हॉल बहुत बड़ा है। ये बिल्डिंग जो है काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है। साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया है। यहाँ का जो वॉशरूम है वो आप बिना पे किए हुए यूज़ नहीं कर सकते। आप अभी टाइमिंग देख सकते हैं 8:53 हो रहा था। तो ये रात के समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हैं अभी हम चलेंगे एसी वेटिंग हॉल। तो ये ऊपर में आपको एसी दिख रहा होगा, फ़ैन भी चल रहा है। और अभी भीड़ भाड़ कम है क्योंकि रात का समय है, बहुत सारी ट्रेनें जो है वो सामने ही चली जाती है। और आपको ये वॉल दिख रहा है, शीशे का वॉल। अब हम वापस चलते हैं, इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर प्लेटफॉर्म की ओर आया जाता है। सामने बिल्कुल दिखेगा तो आपको ये डिस्प्ले दिखेगा। डिस्प्ले के बाद सामने ही अगर आप जाते हैं तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 1, प्लेटफॉर्म नंबर 1। और अभी ट्रेन नहीं है, दूसरे प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी खाली है, लेकिन आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लोग मिलेंगे क्योंकि अभी एक ट्रेन आने वाली है। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसा प्लेटफॉर्म है। तो आनंद विहार टर्मिनल की बात की जाए तो ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बोझ को कम करने के लिए बनाया गया था, और ये बनाया गया था 19 दिसंबर 2009 को। आनंद विहार टर्मिनल जो है रेलवे स्टेशन, ये नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, और डिवीज़न की बात करें तो ये दिल्ली डिवीज़न के अंदर आता है। आनंद विहार टर्मिनल पे 7 प्लेटफॉर्म हैं और 12 ट्रैक, 7 प्लेटफॉर्म और 12 ट्रैक। और इस स्टेशन की एक बहुत बड़ी खासियत है जो कि आपको सभी रेलवे स्टेशन पे देखने को नहीं मिलेगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। और कोड की बात करें तो इस स्टेशन का कोड है ANVT। तो आप देख सकते हैं कि एक बच्चा खेल रहा है और कितनी साफ सफाई है। लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी है, आपको साइड में दुकान मिल जाएगा। और पूरे प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बैठने की बहुत अच्छी अरेंजमेंट की। तो यह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक ट्रेन आ चुकी है जो कि रेवा के लिए, रेवा मध्य प्रदेश, रेवा या रीवा, ठीक है। तो ये देखिए रेवा एक्सप्रेस आनंद विहार से रीवा। और चूँकि इसे टर्मिनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से फिर ट्रेन जो है आगे नहीं जाती, यहाँ से सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाती है, यहाँ पे आकर के ट्रेन एंड हो जाती है। अब हम चलेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म पे, और इसके लिए आपको नीचे से जाना होगा, अंडरग्राउंड। यहाँ पे ओवर ब्रिज नहीं बना है, यहाँ पे टनल्स बने हैं, नीचे से चल के ही आपको जाना होगा दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए हम लोग चलते हैं। एक साइड से आपको इस तरीके से ढलाव मिलेगा और दूसरे साइड से सीढ़ी बना होगा, जैसे सामने आप देख रहे हैं। तो हम चलते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे क्योंकि उस पर ट्रेन आने वाली है, कामाख्या एक्सप्रेस। हाँ, तो मैं बता रहा था कि टर्मिनल जो नाम होता है इसका मतलब ये होता है टर्मिनेशन, मतलब कि जो भी ट्रेन आएगी यहाँ पे एंड हो जाएगी, इसके आगे वो नहीं जाएगी। टर्मिनल से सिर्फ ट्रेन बन के चलती है, ना कि वहाँ से पास होती, इसीलिए इसका नाम आनंद विहार टर्मिनल रखा गया। तो देखिए इस साइड से ऐसे बना है, हर जगह, हर एक प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपको अंडरग्राउंड ही बना हुआ है, उसी से जाना होगा। ये सीढ़ी, तो हम सीढ़ी के माध्यम से चलेंगे। तो चलते हैं क्योंकि ये अभी आया नहीं है। और यहाँ पे आपको एक टीटी खड़ा मिलेगा जो कि इंतज़ार कर रहा है, जैसे ही पैसेंजर आएंगे उनको चेक करते हैं और यहीं पे ये पकड़ लेते हैं। ये भाई साहब खड़े थे,
और देखिए सीढ़ी पे कितने अच्छे से लिखा है कि स्वच्छता से को अपनाना है, स्वच्छ रेल बनाना है। मतलब अच्छे अच्छे जो कोटेशन होती है वो लिखी हुई है और बहुत देखने में शानदार लग रही है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो आ गए हैं हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और देख सकते हैं कि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं, खाली है। एक डॉगी जो है वो भी इंतज़ार कर रहा है, ये देखिए ये डॉग, ये भी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है। तो ट्रेन आ चुकी है, कामाख्या एक्सप्रेस। तो आप देख सकते हैं कितने स्लो मोशन में, कितने आराम से आ रही है, कितने आराम से एंटर कर रही है स्टेशन, क्योंकि इसको इसके बाद कहीं जाना है। ऊपर में आपको प्लेटफॉर्म नंबर 4 लिखा हुआ दिख रहा होगा, कोड भी लिखा हुआ दिख रहा है। इस तरीके से ट्रेन एंटर की है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और ये जनरल डब्बा है, शुरू में आपको दिखा जनरल डब्बा, और फिर उसके बाद जनरल डब्बे के बाद आपका स्लीपर आएगा, फिर एसी का कोच आएगा, इस तरीके से। और ये देख सकते हैं कि डॉग कितने आराम से बैठा है। और ये देखिए ट्रेन आते के साथ खुली पहुंच गए हैं, और ज़रूरी भी है ताकि आराम से लोगों का सामान इधर से उधर ले जाए। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेन रुकी है और पैसेंजर उतरना स्टार्ट हो गया। आनंद विहार टर्मिनल जो है ये आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से भी बिल्कुल कनेक्टेड है। आप इसी पे अगर राइट साइड में आ जाइएगा तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 आपको मिलेगा, और साथ ही विवेकानंद बस टर्मिनल से भी ये कनेक्टेड है। मतलब आनंद विहार स्टेशन आते हैं रेलवे स्टेशन, तो यहाँ से आपको ईजिली डिफरेंट डिफरेंट जगह जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट का साधन मिल जाएगा। और यहाँ से अब हम चलते हैं नीचे और देखते हैं कि टीटी जो है वो किस तरीके से चेक कर रहा है। तो आपको यहाँ पर टीटी मिलेगा और कुछ लोगों को पकड़ रहा है, तो आपको वो व्हाइट शर्ट में दिखता होगा, देखिए साइड में, और वहाँ पे ये दो लड़कों को पकड़ा हुआ है। ये भाई साहब देख करके रुक गया, लगता है इनके पास टिकट नहीं है। और ये देखिए ये सबको साइड में कर रहा है, और थोड़ी बारिश हो रखी है इसकी वजह से ये नीचे गिला है। तो मैं आपको यहाँ का सारा प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा, टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और 12 ट्रैक, तो मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें और देखिए ये दीवारों पर कितनी प्यारी चित्रकारी की गई है, जो कि बहुत ही शानदार लगता है, देखिए कितनी खूबसूरत लगी। और अब हम यहाँ से बाहर नहीं चलेंगे, अब हम चलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7। तो वापस हम चलते हैं, तो देखते हैं कि अभी भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल खाली। ये आगे आपको दीवार दिख रहा है, यहाँ एंड है, फ्यूचर में वहाँ पर बनेगा। और प्लेटफॉर्म नंबर 6 की जो सीढ़ी है ये ज़्यादा चौड़ी नहीं है, इसकी चौड़ाई कम है, और ये लाइनिंग्स लिखा हुआ है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पे। तो यहाँ बिल्कुल सुनसान है, कुछ भी नहीं है, कोई लोग नहीं है, ना ही कोई ट्रेन की टाइमिंग है, और ना यहाँ से कोई ट्रेन अभी जाने वाली है। उसकी वजह से फैन देखिए चल रहा है, बिजली की बर्बादी हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सुनसान है, और इस साइड में जो आपको दिख रहा है उधर भी ट्रैक बने हुए हैं, वहाँ से डायरेक्ट जो ट्रैक है वो दिल्ली के लिए निकल जाती है। अब हम वापस चलते हैं और आपको दिखाएंगे एग्ज़िट कि एग्ज़िट किस तरीके से लोग हो रहे हैं। देखिए 21:22 हो गया है और लोग जो है यहाँ से बाहर जाने का यही रास्ता है। यहाँ से राइट की ओर जो है, यदि आप इधर जाते हैं तो आपको टिकट काउंटर मिलेगा। तो अभी हम राइट नहीं जाएंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से बाहर एग्ज़िट करने का रास्ता। और जैसे ही आप एंटर कर दीजिएगा तो आपको पूछताछ इंक्वायरी काउंटर जो है वो राइट साइड में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रेन का टाइमिंग लिखा जा रहा है इस बोर्ड पे, और इस बोर्ड को इस तरीके से आगे की ओर कर दिया गया है। अब हम चलते हैं टिकट काउंटर की ओर और देखते हैं वहाँ कैसे रास्ता। तो ये देखिए ये रंग बिरंगे कपड़ों में टिकट काउंटर की ओर ही जा रहे हैं। और यहाँ पे टॉयलेट के लिए आपको पे करना होगा, यहाँ टॉयलेट साफ़ सुथरा सब कुछ है, लेकिन हर एक जगह पे आपको आदमी बैठाया हुआ मिलेगा जो कि पैसे देते हैं। ये टिकट काउंटर है, और टिकट काउंटर जो है वो काफ़ी बड़ी है, एकदम कम से कम
30-35 काउंटर होगा। अभी भीड़ भाड़ नहीं है इसलिए 2-3 काउंटर ही खुला हुआ है, बाकी बंद है। मॉर्निंग के टाइम में ये सारा खुला रहता होगा, तो आप देख सकते हैं कितने दूर तक है और हर जगह फैन लगा हुआ है, फैन चल रहा है, आदमी हो या ना हो। और टिकट काउंटर के सामने ही आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, देखिए कितना शानदार रेस्टोरेंट। और इसका दोनों साइड से एंट्री है, गेट के साइड से भी और इधर से। और टिकट काउंटर के पास भी बैठने की व्यवस्था है, कुछ लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं, जिनका जैसा टाइमिंग ट्रेन का है उसके हिसाब से इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लेटे हुए हैं आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम गेट से बाहर निकलेंगे, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे और बाहर का नज़ारा देखेंगे कि बाहर कैसा है। तो अब हम आ चुके हैं बाहर, क्योंकि बारिश हुई है इसलिए रोड अभी गीला है। आप देख सकते हैं यहाँ से ऑटो वाले आपको बहुत मिलेंगे, आप जैसे ही बाहर निकलिएगा आपको पूछने लगेंगे आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कहाँ जाना है, 2-4-10 तो पूछ ही लेंगे। देखिए सब किस तरीके से खड़े हैं। और यहाँ पे 24 आवर ऑटो वाले होते हैं, कुली भी आपको बहुत मिल जाएंगे सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, आप देख सकते हैं। और बड़ा ही शानदार स्टेशन है, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको टैक्सी और ऑटो की भरमार मिलेगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टैक्सी जो है लाइन से खड़ी रहती है, एक लाइन में एक सीट में खड़ी रहेगी। और ये देखिए आपस में कभी कभी ये जो ऑटो ड्राइवर ये टैक्सी ड्राइवर हैं ये भीड़ जाते हैं, लग जाते हैं, जैसे कि अभी ये दोनों लड़ गए थे पैसेंजर के लिए। और देखिए किस तरीके से ऑटो ड्राइवर अपना बैग उठा करके ले जा रहे थे, चलिए मेरे साथ चलिए। और ये देखिए ऑटो, ऑटो यहाँ पे आपको बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा ऑटो दिखेगा, क्योंकि दिल्ली काफ़ी बड़ी है, बड़ी इस हिसाब में कि यहाँ पे पूरा दिल्ली ही बसा हुआ है, और मतलब हर जगह पे लोग हैं। तो यहाँ से जाने के लिए आपको गाज़ियाबाद, नोएडा, ठीक है, और दिल्ली में और दूसरे जगह के लिए ऑटो मिल जाएगा। और यदि आप दाम नहीं जानते हैं तो ऑटो वाला आपको लूट सकता है, आपको से ज़्यादा पैसे डिमांड कर सकता है। और रात के समय थोड़ा सोच समझ के ही बैठना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना सारा ऑटो है। और यहाँ पे ऑटो 24 आवर्स चलता रहता है, रात में भी चलता रहता है। जो दिन में चलाते हैं वो रात में सोते हैं, जो रात में चलाते हैं वो दिन में सोते हैं। तो आप देख सकते हैं लाइन की ऑटो निकल रही है, जैसे ही ट्रेन आती है वो सारी के सारी ऑटो फुल होना स्टार्ट हो जाती है। और यहीं पे आपको ये देखिए बस जा रही थी, ये बस टर्मिनल है यहाँ साइड में, और वहाँ से जाने का ये रास्ता। और बाहर का ये सीन है, यहाँ पे खाने पीने का भी चीज़ है लेकिन बहुत ही ख़राब रहता है, यदि आप सही से सोच समझ के नहीं खाइएगा तो आपको कुछ भी ऐसे नहीं खिला करके पैसे अट लगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब।